चल रहा था है ना, सिमेट्रिक सर्किट में हमने दो तरह की सिमेट्री भी पढ़ी थी, फोल्डिंग भी थी और मिरर भी थी। दो तरह की सिमेट्री पढ़ने के बाद में अब जो नंबर आता है, अच्छा हमने 3D वाले सवाल भी कर लिए थे। 3D के सवाल के बाद एक सवाल किया था ना, वेरी गुड। चलो तो क्यूब के बारे में चर्चा कर लीजिए। क्यूब तुम सब जानते हो ना कैसा होता है। आज चलो क्यूब बना लो सब लोग। ये देख रहे हो ये क्या है, क्यूब है भाई। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 कितनी एज हो गई, 8 हो गई। चलो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 क्या अपने कमरे जैसा ही होता है क्यूब जो होता है। क्यूब कैसा होता है अपने, मस्त कमरे जैसा, ठीक है। अब देख क्यूब की जब हमसे बात की गई ना तो हम लोगों को क्या दिखा, इस कमरे में अगर मैं इमेजिन करने की करूं तो क्या तू 1, 2, 3, 4 इमेजिन कर सकता है कहां कहां पे? कर सकता है कहां कहां पे बोल। क्या 1 वहां पे, वहां पे, वहां पे, वहां पे, वहां पे, क्या ये 8 और 7 ऐसा है? अच्छा वहां पे, अबे 9 कहां से आ गया, टोटल 8 ही है। मैं वापस चल रहा हूँ, वापस जल्दी बता। अच्छा वो 4, 3, 1, 2 सबको दिख रहे हैं। अच्छा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 अच्छा अभी देख 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 यस 7, 8 अच्छा 7, 8 श्योर हो? 1, 2 सही है, इमेजिन करो ना 1, 2, 3 या 3 तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ऐसा है क्या? 7, 8 तुम्हारे सामने है, पक्का पता लग गया ना कमरे में कहाँ है। अब इसके अंदर अपने को किस किस के अक्रॉस दिया जाता है भाई, हर ब्रांच का रेजिस्टेंस जो है R है, कितना है R। अपने को बोला जाता है कि 1, 2, 6 के अक्रॉस निकालो, किसके अक्रॉस निकालो, 1, 6 के अक्रॉस। तो अगर 1, 6 के अक्रॉस निकालने को बोला तो क्या 1, 6 इज बेसिकली द बॉडी डायगोनल, 1 ये है, यही है ना 1, और 6 क्या वो है, तो क्या ये हमारी बॉडी डायगोनल है। अब ये बॉडी डायगोनल के अक्रॉस निकालना है, कैसे निकालना है, बॉडी डायगोनल के अक्रॉस 1, 6। तो सबसे पहला काम जो करना था वो था बॉडी डायगोनल। बहुत ध्यान से देखना, काम का सवाल है, स्टैंडर्ड सवाल। बॉडी डायगोनल क्या है, 1, 6। बॉडी डायगोनल क्या है, 1, 6। आओ कैसे, क्या सर्किट बनाए, देखो भाई मैं 1 से लेके 6 तक जाने के रास्ते खोजता हूँ। क्या खोजता हूँ, रास्ते। एक रास्ता तो क्या है, 1 से 2 जाऊं, 2 से 6 जाऊं, बोल है क्या, 1 से 2, 2 से 6 बोल है कि नहीं। 1 से 2 क्या मैं एज पे ट्रेवल किया, सोचो यार 1 से 2 क्या मैं एज पे ट्रेवल कर रहा हूँ, और फिर 2 से 6 क्या मैं फेस डायगोनल पे ट्रेवल कर रहा हूँ। अरे 2 से 6 जोड़ेगा तो इस वाली साइड की डायगोनल ही तो है, तो मैंने बोला 1 से 2 एज, 2 से 6 फेस डायगोनल। ऐसे और भी रास्ते हैं क्या, और भी रास्ते हैं क्या 1 से 6 पहुंचने के, जिसके अंदर, जिसके अंदर पहले, अच्छा सुन सुन, जिसके अंदर पहले क्या आ रही हो, एज आ रही हो, बाद में क्या आ रही हो, फेस डायगोनल। और भी कोई रास्ता है क्या बता, 1, 3 ही तो पहले फेस डायगोनल है, एल एज क्या, 1, 8, 6 नजर आ गया, 1 से कहां गया 8, 8 से कहां गया 6, और कोई 1 नजर आ गया, क्या हो गया फेस डायगोनल बेटा, जो एक प्लेन वाली डायगोनल है, इस प्लेन की डायगोनल जो है ये फेस डायगोनल, ये तो एज है और क्या, और ये बॉडी डायगोनल, ठीक है। चलो ये रास्ते समझ आएगा, 1, 2, 6 1, 8, 6 और 1, 4, 6 यार सबको क्लियर तो है, पक्का है ना, अच्छा
अब देख, एक से छह जाने का एक रास्ता और था, एक तीन छह था कि नहीं? अरे था ना तीन वाला भी। तो एक रास्ता ऐसा है जिसमें क्या हो रहा है बेटा, जिसमें पहले अपन लोग किस पे जा रहे हैं, फेस डायगनल पे, और बाद में किस पे जा रहे हैं, एस पे। वो रास्ते बता दे दो और। एक तीन छह आ गया, एक पीछे सात और फिर छह, और कौन सा है बेटा, एक पांच और। तुम्हें समझ में आ रहा है ये हो क्या रहा है? और थोड़ी होगा, अब हो गए एक तीन पांच, सारे तो आ गए, कवर हो गए। एक से छह के बीच जाने के रास्ते ढूंढने थे, कहां से कहां के रास्ते, एक से छह। अब एक चीज सोच, अगर सबके रजिस्टर आर हैं, तो फोर का, टू का और एट का, क्या ये तीनों पॉइंट्स इक्विपोटेंशियल होंगे? सोचो, अरे आर का ही तो ड्रॉप होगा, आईआर का ड्रॉप, आईआर का ड्रॉप, आईआर का ड्रॉप होगा कि नहीं? सारे रजिस्टर आर थे ना यार, पक्का? तो तीनों में सेम करंट फ्लो करेगा, सेम करंट फ्लो करेगा मतलब कि आठ दो और चार, क्या तीनों इक्विपोटेंशियल होंगे? क्या सिमिलरली आई कैन से कि तीन सात पांच भी इक्विपोटेंशियल है? ध्यान से देख, तीन सात पीछे वाला और पांच, क्या ये भी तीनों इक्विपोटेंशियल? मतलब मेरे को छह पॉइंट ऐसे मिल गए जो क्या थे, इक्विपोटेंशियल। अच्छा, पर क्या इनका पोटेंशियल इनके पोटेंशियल से बराबर है? इसका पोटेंशियल भी अलग है, इसका पोटेंशियल भी अलग है। तो हम लोग ऐसे डायग्राम्स को सॉल्व करने के लिए, याद कर, हम लोग ऐसे पॉइंट्स बना लेते थे, वन टू थ्री फोर ऐसे करते थे ना, वी एक्स वाई जेड, और फिर इधर जीरो, उनके बीच के रजिस्टर जोड़ते रहते थे, याद आ रहा है? वही कहानी करनी है। तो हमने लगा लिया भैया, ये कौन सा पॉइंट मान लिया, वन और सिक्स के बीच निकालना था ना, वन, वन के बाद में क्या मान लिया, टू कॉमा एट कॉमा फोर, तीनों का पोटेंशियल सेम है ना, इसीलिए। इसके बाद में क्या मान लिए, थ्री कॉमा सेवन कॉमा फाइव, क्या इनका पोटेंशियल भी सेम है? और इसके बाद में क्या लिख लिया, सिक्स। बोलो कोई दिक्कत? सोच लो, समझ भी आया है क्या? वी एक्स वाई जेड करना आता है हमें, है आता है ना, बस वही वाला तरीका है। अब देखा गया, एक से लेके दो आठ चार, क्या इनके बीच में तीन रजिस्टर है, एक से दो, एक से आठ और एक से, क्या तीनों पैरेलल में? नहीं आया, तीनों पैरेलल में। अब देख, तीन सात पांच और छह के बीच, छह सात तीन और पांच, क्या तीनों पैरेलल में? एक दो तीन, कोई समस्या? बोल दो यार, तीन तीन छह, ठीक है। अभी और बचाए क्या? अरे और बचाए छह, छह और बचाए। अबे अभी तो कितने, चार चार आठ नौ दस ग्यारह बारह, बारह है ना टोटल, बारह में से छह ही तो हुए हैं, अभी तो छह और बचे हैं। क्या वो बचे हुए सारे छह इन दोनों के बीच में लगे? इन्हीं के तो बीच में लगे बेटा। दो से तीन देख, दो से तीन ऐसे ही देख, दो से सात है कि नहीं, देख पा रहे हो ना? तो ऐसे ही हर किसी से दो दो जुड़े हुए, मतलब तीन से क्या छह जुड़े होंगे, तो हमारे पास क्या आ गया, एक दो तीन चार पांच छह, सारे पैरेलल में। हाँ, हाँ, दो से पांच है, दो से पांच कोई लाइन दिख रही है तेरे को? कोई लाइन ही नहीं है। अरे रजिस्टर एग्जिस्ट कर रहा है क्या दो से पांच? नहीं है ना, वो तो खाली जगह है यार, दो से पांच तो नहीं समझ आया। हर किसी से दो दो कनेक्टेड है बेटा, एक तो दो से सात गया, एक दो से तीन गया, सबको दिखा, तो दो से सात भी हो गया, दो से तीन भी हो गया, ठीक है। आगे देख, आठ से देख, आठ से सात, आठ से पांच, क्या आठ से सात भी हो रहा है, पांच भी हो रहा है? यही तो कर रहा हूं, समझ आ रहा है ना? हर किसी से दो दो कनेक्टेड है,
सारे चेक कर लो, गिन लो, और सबके रेजिस्टेंस कितने हैं बेटा? नहीं क्या बेटा? रो थोड़ी दिया हुआ है यार, आर दिया है सीधे, क्यूब है, वैसे भी क्यूब है, क्यूब में सारी साइड की लेंथ क्या होती है? तो सबके रजिस्टर क्या आएंगे? सेम आएंगे ना। अरे बॉडी डायगनल फेस डायगनल पे रजिस्टर एग्जिस्ट कर रहा है क्या? उसके अक्रॉस निकालना है आर इक्विवेलेंट। भाई बॉडी डायगनल 1 से 6 को जोड़ता हुआ कोई रेजिस्टर भी है क्या? नहीं है ना, वो तो पॉइंट है जिनके अक्रॉस निकालना है, समझ रहे हैं ना? आर इक्विवेलेंट तो अपन किसी के ही अक्रॉस निकाल देते थे। ये तो रास्ता है जाने का बस। अरे ये तो बेटा मैं इक्विपोटेंशियल पॉइंट ढूंढ रहा था, इसीलिए मैं रेजिस्टेंस थोड़ी ना लगाऊंगा 2 से 6, रेजिस्टेंस थोड़ी है 2 से 6 में, सिर्फ इक्विपोटेंशियल ढूंढने का तरीका है। ये जो सवाल है सुन लो, ये वाला सवाल आप वीआई मेथड से भी कर सकते हो, करंट डिवीजन से भी कर सकते हो, समझ गए? एक्स वाई जेड मान के भी कर सकते हो, मैं तुम्हें आसान तरीका सिखा रहा हूं, ठीक है? कौन सी चीज नहीं आई बता, कैसे हैं? एक चीज बता, अगर यहां पे करंट घुसेगा तो 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड होगा कि नहीं होगा? पक्का पता है? इसके अंदर ड्रॉप कितना आएगा यहां से यहां तक? आईआर का ही ड्रॉप आएगा, यहां से यहां तक ड्रॉप, यहां से यहां तक ड्रॉप, तो ये तीनों इक्विपोटेंशियल नहीं हो गए? तो सेम लिए है ना, तो अलग थोड़ी ना लिए हैं, सेम लेके सॉल्व कर रहा हूं भाई, नया सवाल नहीं बनाना, जो सवाल है उसको सॉल्व कर रहे हैं। तो तुम्हें ऐसा नहीं मिलेगा कि अलग रेजिस्टेंस बना दिया, सेम रेजिस्टेंस देकर रखेंगे, ऐसे नहीं कि अलग रेजिस्टेंस का सवाल एक नया पैदा कर दिया, ठीक है? तो बोल तीनों आर, ये सारे आर, ये सारे आर, ये कितने आर बाय 3, ये क्या हो गया आर बाय 6, ये क्या हो गया? क्या तीनों सीरीज में? तो हमने क्या मिल गया आपने को? आर बाय 3, आर बाय 6 और आर बाय 3। तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा आपका? आर बाय 3, आर बाय 6, आर बाय 3। आर इक्विवेलेंट कितना आ गया अपना? क्या आ रहा है बता दो? 5R/6। ठीक है, पर ये अभी खत्म नहीं हुआ, अभी तो बॉडी डायगनल का ही हुआ है, अब फेस डायगनल से करो। चलो कौन बज रहा है? चलो फेस डायगनल करो 1-3। फेस डायगनल में ढूंढो भैया पॉइंट्स, ये देखो 1-3, 1 और 3 के अक्रॉस, इसके अक्रॉस आर इक्विवेलेंट 1 और 3। कोशिश करें 1 और 3। ध्यान ध्यान से देख, बहुत जोरदार चीज हो गई यहां पर, इमेजिन हो रहा है क्या? एक हिस्सा उधर, एक हिस्सा इधर। मैंने पता है क्या किया है, देख कहां खड़ा हूं मैं, 2 पे खड़ा हो रहा हूं, देख यहां देख, मैं 2 पे खड़ा हो गया और ऐसे काट दिया, देख पा रहे हो? 2 पे खड़े हो गया, ऐसे काट दिया यूं, ये कटिंग है, प्लेन ऑफ कटिंग, दिख गया सबको? अब इस प्लेन के इधर और इधर क्या सेम चीज है, समझ आ गया? ये जो प्लेन है इसके इधर और इसके इधर, क्या दोनों चीजें सेम है? अगर इस प्लेन के इधर और इधर दोनों चीज सेम है, मतलब ये मिरर सिमेट्री है क्या? अरे मिरर सिमेट्री हुई ना, नजर नहीं आया, ये वही वाला प्लेन है, देख खड़े होके काट दे वहां से, सड़ा है, क्या ये काट दिया? पक्का दिखा? अब देख जरा, अगर मैं कहूं कि यहां से करंट I1 है और यहां से करंट I2 है,
तो इधर क्या हो रहा होगा? आई वन किधर से और आई टू किधर से, ये बता दें। क्या बेटा यहां से आएगा आई वन पक्का और यहां से आएगा एनी प्रॉब्लम? अरे यही तो सीखा है अपन ने मिरर सिमेट्री में, कांच लगा डाला, कांच लगा के दोनों तरफ क्या कर दिया, चीजों को सेम कर दिया। अब एक चीज बता, ये आई वन था और ये यहां से बह के इधर आ रहा था, ऐसा कैसा बोल आ रहा था कि नहीं? मतलब कि क्या इसके अंदर कोई करंट ही नहीं जा रहा था? अरे सोच यार, इसका क्या मतलब है? अगर ये आई वन चला और यहां से आई वन आ गया तो क्या यहां से कोई करंट आ रहा होगा? मतलब क्या मैं इस ब्रांच को उड़ा सकता हूं? सोच पा रहे हो? मैंने कहा यहां से आई वन चला और यहां से भी बाय सिमेट्री क्या आई वन आना चाहिए था? पक्का है ना? तो इसलिए मैं क्या इस वाली ब्रांच को हटा दूं? इसका कोई रोल ही नहीं है। मिरर सिमेट्री में हम यही तो देखते थे, ब्रांच ही तो उड़ाते थे, तो इस ब्रांच को उड़ा दूं। अब देख, आई टू चला, आई टू चला ये आया और आई टू आ गया, क्या ये भी बेकार है? सोच पा रहे हो? इसमें से कितना करंट आया होगा? जीरो। तभी तो यहां से आई टू आया तो यहां से भी आई टू ही आ गया, यहां से जीरो आया होगा। आई टू इधर तो आई टू इधर, आई वन इधर तो आई वन इधर, क्या ये मेरे लिए बेकार, ये मेरे लिए बेकार? मतलब क्या मैं इसका एक नया डायग्राम बना सकता हूं? सोच और इमेजिन कर जरा जल्दी से। देख, इमेजिनेशन करना बहुत जरूरी। देखो यही तो हुआ है बेटा, आई वन तो यहां से भी क्या आ गया, यहां से क्या था, यहां से क्या लिया है तुम, आई टू। अरे कोई दिक्कत है क्या? पक्का है भाई साहब? ये वाला भी बेकार हो गया और ये वाला भी, इनको मिटा दे। ये बच गया, पूरा कैसे उड़ेगा? जिसमें करंट नहीं है वही तो उड़ेगा। किसमें? इनमें तो होगा ही ना यार, ये तो जंक्शन है, ये तो जंक्शन है, तो यहीं से तो कुछ आया होगा आई, तभी तो आई वन प्लस आई टू में टूटा है। ऐसे क्यों, यहां आके निकल गया? इसके अक्रॉस ही तो निकालना था वन और थ्री के भाई, वन और थ्री के तो अक्रॉस निकालना था ना, ये तेरा थ्री टर्मिनल यहां पर है थ्री, ठीक है? तो अब सिर्फ ये डंडा भी हट गया, ये डंडा भी हट गया, ये बच गया। अब जल्दी से बता, ये भी आर, ये भी आर, ये भी आर और ये भी आर है कि नहीं? ये लंबा वाला भी क्या है, आर, ये भी क्या है, आर, ये भी आर, ये भी आर, ये भी आर, ये भी आर, बोल सबको दिखा। क्या ये दोनों आर सीरीज में, ये दोनों आर सीरीज में, इसके साथ कुछ पैरेलल है क्या? सोच ले, है क्या, क्या आपस में पैरेलल? पक्का? आर और आर टू आर, आर और आर टू आर, ये भी बन गया टू आर, ये भी बन गया, क्या टू आर आर नहीं दिखा? टू आर आर, अच्छा ये क्या है टू आर, ये भी क्या है, क्या टू आर आर, क्या ये आर था, ऊपर वाला आर था, आर प्लस आर प्लस आर, क्या थ्री आर, और नीचे क्या है आर, क्या थ्री आर और आर का पैरेलल? आंसर नहीं आया, आर आर टू आर, आर आर टू आर टू आर, आर टू आर टू आर, आर आर आर, क्या सीरीज में 100%, तो क्या थ्री आर, थ्री आर टू आर टू आर आर, आर और थ्री आर पैरेलल, टू आर पैरेलल में तो आर, अब ये वाला आर और ये थ्री आर, क्या दीज आर इन पैरेलल? सॉल्व कर लो, क्या आ जाएगा, थ्री आर इंटू आर अपॉन थ्री आर प्लस आर इज इक्वल टू आर इक्वलेंट, यहां से क्या आ गया, आर इक्वलेंट बराबर थ्री आर स्क्वायर अपॉन फोर आर, आर से आर खत्म तो थ्री आर बाय फोर। आंसर समझ नहीं आया, थोड़ा मुश्किल है मैं जानता हूं, पर करना तो पड़ेगा है ना, समवॉट टफ, इससे टफ लेवल का सवाल नहीं बन सकता है ना, इससे टफ नहीं बनेगा यार, ये टफेस्ट है।
ठीक है, करंट में इससे टफ सवाल कुछ भी नहीं है। अच्छा अभी तो एज रह गई, हाँ इसमें सिर्फ अपन आर आर ही निकाले जा रहे हैं, एज रह गई अभी, एज एज के अलोंग कर सकते हो क्या, वन टू के अलोंग, सबसे भारी यही है वन टू, सबसे भारी एज के अलोंग ही है, ये दोनों कर लो, तीसरा करा रहा हूं मैं, ये मिटा दूं बॉडी डायगोनल वाला, बॉडी डायगोनल वाला तुमने डायग्राम दोबारा बनाया है ना उसमें फेस डायगोनल में, ये दोबारा बनाओगे, अरे तो उसको काट, वो तो बना ही लिया, इसको काटते हुए कैसे दिखाएगा, काटेगा भी ना, तो एक काटने वाला भी बनाना डायग्राम, कैसे काटा है फिर याद नहीं रहता अपने को। चलो एज वाला बताओ कैसे होगा, अलोंग द एज, दो हो गए अभी इसी का तीसरा पार्ट, चलो भाई रास्ते ढूंढो एक से दो जाने के, एक से दो जाने के रास्ते ढूंढो, सिमेट्री मत ढूंढो रास्ते ढूंढो, हाँ सोचो, एज की जब हमने बात की तो एज में ये डायग्राम मिटा देते हैं, दोबारा से डायग्राम बना लो, अंदर अंदर कहीं मिटा देता हूं, चल है ना, चल पूरा ही बना लेता, एज की बात करेंगे तो एज के लिए क्या वन से टू जाना है ना अपने को, हाँ भाई साहब पूछिए ना, हाँ मैं तो एक्स जेड प्लेन पे खड़ा हूँ, ये एक्स वाई प्लेन है, किसके अक्रॉस निकालना है तेरे को, तेरे को वन थ्री के अक्रॉस निकालना था ना, फेस डायग्राम है, फेस डायगोनल, हाँ किसी के भी अक्रॉस ले ले, एक ही आंसर आएगा, हाँ तू चाहे यहां से वहां जोड़ दे तो भी फेस डायगोनल है, हाँ ये तो बॉडी डायगोनल है, जो पहले क्या निकाला था, चलो क्या था, ये था ना वन टू थ्री फोर, आगे बोल कहां था, फाइव सिक्स सेवन एट, फाइव सिक्स सेवन एट, ठीक है चलो, अब इसके अंदर अपने को निकालना है वन टू के अक्रॉस, एज के अक्रॉस जाना है वन टू, वन टू के अलोंग निकालेंगे तो कैसे होगा, चलो बताओ, एक से दो जाने के कई रास्ते या एक दो रास्ते, कई रास्ते, एक रास्ता तो क्या है, चलो तुम लोग बताओ, एक से एक रास्ता तो मैं बताता हूं, एक से गया तीन, तीन से गया दो, क्या ये वाला जो रास्ता है, अच्छा नहीं ये वाला जो रास्ता है ये मेरे को बता, ये कैसा है, एक से तीन क्या बेटा बॉडी डायगोनल या फेस डायगोनल, और तीन से दो क्या एज, अच्छा एक और एक ऐसा रास्ता है क्या, एक से सात और सात से दो, अरे फेस डायगोनल यार, अच्छा एफ डी लिखना था ठीक, हाँ तो एक से सात और सात से वन सेवन सेवन टू, एनी प्रॉब्लम, और कोई रास्ता ही नहीं है देख लो, नहीं है ना, जिसमें पहले फेस डायगोनल आए और बाद में एज है, ऐसा और कोई रास्ता है क्या, जल्दी बता, नहीं है ना, मतलब ये दोनों पॉइंट्स क्या हो गए, इक्विपोटेंशियल, समझ आ गया, अच्छा दूसरे दूसरे पॉइंट, दूसरे पॉइंट क्या हो सकते हैं, एक से चार, चार से दो, बोल है कि नहीं, एक से चार और चार से दो, क्या एक से चार इज एज, चार से दो इज फेस डायगोनल, एनी प्रॉब्लम, देख एक से चार, चार से दो, और भी कुछ है क्या, एक से आठ और आठ से दो, तो एक से आठ, आठ से दो, और कोई है क्या, और कोई नहीं है, क्या ये हमारे पास में चार पॉइंट आ चुके हैं, ये दोनों क्या है इक्विपोटेंशियल, ये दोनों भी क्या है इक्विपोटेंशियल, क्या अब हमें डायग्राम बना लेना चाहिए, अब इसका डायग्राम बनाने का जो तरीका था, हाँ कैसे ले लेते हैं, ये सिर्फ ट्रेवलिंग का तरीका है पॉइंट मानने के लिए, 162 कैसे, 162 बॉडी डायगोनल है, वो कहां से ले लूं,
अलोंग द एज निकालना है ना, 1-2। हाँ तो जाने के रास्ते तो वही लूंगा ना जो एग्जिस्ट कर रहे हैं, जो है ही नहीं उसको कहां से ले लूंगा। तेरे को मैं करा रहा हूँ या ऐसा का ऐसा रख लेना, क्वेश्चन में बताएंगे कि एज के अलोंग निकालना है या फेस डायगोनल या बॉडी डायगोनल, ये तेरे को दिया रहेगा। तीनों के आंसर ही अलग आ रहे हैं यार, बॉडी डायगोनल का अलग आया, फेस का अलग आया, एज का अलग आया। 1-4 से 2 जा रहे हैं। हाँ अब तो होने देना, अरे एक एरा तो मत होने देना, ट्रेवल तो कर सकता हूँ इक्वी पोटेंशियल मानने के लिए। मुझे ऐसे पॉइंट्स चाहिए जो इक्वी पोटेंशियल हो, अब उसको या तो ऐसे मानो या अपने तरीके से मान लो, भाई करंट जाएगा आई आर का ड्रॉप होगा कि नहीं, उसी हिसाब से मान लिए। समझ गए, तो 4 भी हो गया और 8 भी हो गया, दोनों इक्वी पोटेंशियल हो गए। सिमिलरली 3 भी हो गया और 7 भी हो गया। 2 से देखना, 2 से आई आर का ड्रॉप, 2 से आई आर का ड्रॉप, क्या दोनों पे सेम ड्रॉप रहेगा? है एज होने दे पर है तो इक्वी पोटेंशियल है तो कैसे इक्वी पोटेंशियल। तो हम लोग यही सोच रहे हैं, तू इसको ऐसे इमेजिन कर 1 से 3 और 2 से 3, ऐसे कर 1 से 3 और 2 से 3, क्या सेम ड्रॉप? अरे सही है ना। अब देख 1 से 7 और 2 से 7, 1 से 7 2 से 7 सेम पोटेंशियल है। आगे देख 1 से 4, 1 से 4 और 2 से 4 सेम ड्रॉप। नहीं तो सीधे इसी वाले पॉइंट पे बैठो और चेक कर लो, एक ये वाला पॉइंट होगा, एक ये वाला पॉइंट होगा जिनका सेम पोटेंशियल होगा। सीधे दिख रहे हैं 4 और 8, 2 पे बैठ जाओ, एक ये वाला पॉइंट होगा, एक ये वाला पॉइंट होगा, 3 और 7 आ रहे हैं कि नहीं? ये वाला तो नहीं होगा क्योंकि इसके तो अक्रॉस ही निकालना है, पता लगा 1 भी लिख दिया उसमें, गलत हो गया वो। समझ गए, नहीं आ रहा, सारा ऊपर से गया भाई साहब। आ रहा है ना कुछ कुछ? ठीक चलो, अब इसका डायग्राम बना रहा हूं, बहुत ध्यान से देखें कैसे। इसमें थोड़ी सी है ना इमेजिनेशन की जरूरत पड़ती है जो अपन से होती नहीं है ना। देख इसका डायग्राम, एक दो देख पा रहे, 1 2 3 7 4 8, 3 और 7 4 और 8, क्या इक्वी पोटेंशियल है? तो 7 7 लिख लूं, बता रहा हूं ऐसा क्यों बनाया, इसकी फील दिलाऊंगा अभी, रुक जा, इसकी फील आएगी पहले बस देख ले, है ना। 1 2 क्या 7 में लगा दिया? 3 7 4 8, 3 7 4 8 क्या 7 में लगा दिया? 3 और 7 7 में क्यों आए? इक्वी पोटेंशियल थे ये देख। 4 और 8 7 में क्यों आए? इक्वी पोटेंशियल। ऊपर देख 5 और 6, ठीक है ऊपर है ना 5 6, इसमें तो है ही ना ये 5 और 6। मैं बता रहा हूं ना क्यों बनाया ऐसे, अभी बताऊंगा रुक जा। आ रहा है इसका नंबर, इमेजिन ऐसे ही क्यों किया जरूरी है, अगर ऐसे नहीं इमेजिन करता तो नहीं बनता। अभी बताऊंगा क्यों ऐसे किया, पहले देख ले डायग्राम। अब देख 3 और 7 1, 1 से 3 और 1 से 7 क्या बेटा? 2 रजिस्टर, 1 से 3 और 1 से 7 कितने रजिस्टर्स हैं? 2 आ गए, 2 से 4 2 से 8 कितने अगेन बोलाएगा कि नहीं? मामला खत्म यहां का। 5 से 3 5 से 7 क्या अगेन 2 रजिस्टर? अगेन 2 रजिस्टर आएंगे, तो अगेन 2 रजिस्टर लगा दे, या ऐसे मान ले 6 7 वाले मान ले, 6 से 4 5 6, हाँ ठीक, इनको पलट ले यहाँ पे, ये 6 कर दे और ये 5 कर दे, ठीक है। ये देख 5 से 4 और 5 से 8 बेटा दिख रहा है? 5 से 4 5 से 8 2 रजिस्टर, 6 से क्या है बेटा? 3 और 7
ये आ गया तीन और ये क्या आ गया कोई समस्या 100% पांच से छह के बीच में भी एक है वो भी लगा लो ये नंबर पांच ये नंबर छह इनके बीच का ये लग गया ठीक है अच्छा एक से दो के बीच में भी एक है ये लग गया और बोल आगे के इनके बीच में भी कुछ है क्या एक है या दो है अबे दो है ना बता सही है क्या 100% समझ में आया इमेजिनेशन अभी कराऊंगा दोबारा एक ही सवाल मत पूछना क्या आर 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 और आर एनी प्रॉब्लम अरे एनी प्रॉब्लम क्या हो गया कुछ नहीं आ रहा समझ में आ रहा है ये आर और आर अरे ये वाले आर आर ये वाले आर बाय टू आर टू आर अबे आर बाय टू और आर क्या टू आर दिख गया ये बोल इसके साथ कंबाइन करना है हवा में नहीं करना और उसके बाद में ये वाला आर क्या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं अच्छा निकाल सकते हो ना अब देखिए ऐसा क्यों आया एक मिनट बता रहा हूं कैसे अरे ये देख कमरा अपना कमरा दिख गया तेरे को ऐसे दिख रहे कमरा दिख रहे अच्छा 1 2 3 4 कर दे जरा जल्दी से क्या 1 2 3 4 5 6 अच्छा 5 6 7 सही है क्या पक्का देख पा रहे 100% अब देख मेरे को इक्विपोटेंशियल 3 और 7 को करना था 3 का है आगे वाला पॉइंट 3 का है क्या ये वाला पॉइंट अच्छा 7 का है क्या ये वाला पॉइंट मतलब इन दोनों का मिलन होना चाहिए इन दोनों का कैसे होगा क्या ऐसे पिचका दिया जाए क्या ऐसे रखा जाए ये देख पा रहे तू ऐसे अरे तू चुप रहे इसको ऐसे रख के देख पा रहे 1 2 पीछे दिख रहे हैं तेरे को अरे 1 2 पीछे दिख रहे हैं अच्छा 1 2 के आगे क्या है 3 4 बोल है कि नहीं 3 4 दिख रहे हैं अच्छा 3 7 4 8 5 6 कोई दिक्कत तो नहीं अच्छा 5 6 ऊपर वाले पॉइंट क्या है ये आगे वाले ठीक है अब 7 8 4 8 और 3 7 क्या इन दोनों को सेम लाइन में लेकर आना है इन दोनों को क्या करना है सेम लाइन में लाना है अब सेम लाइन का क्या तरीका है बोल 3 4 तो आगे वाले और 7 8 पीछे वाले अरे रुक जा 3 4 तो आगे वाले यानी ये वाले बेटा और 7 8 कौन से हैं पीछे वाले अब इनको मिलाने का एकमात्र तरीका क्या ये है हो गया इमेजिन यही अबे देख अरे दोबारा देख चिल्ला मत अबे तू यहां ध्यान लगा चुप रहना एक मिनट ध्यान लगाएगा आ जाएगा चुप रहे देख यहां पर बोल अरे यार ये मुड़ गए चलो यहां पे बढ़िया हार्ड है हाँ 1 2 कहां पे है बेटा अरे 1 2 कहां पे है पीछे 1 2 कौन से वाले हैं ये पीछे वाले फिर ये कौन से हैं दिख रहे हैं सबको ये कौन सा बेटा वो पीछे वाले कोई दिक्कत नहीं भाई ये डायग्राम बनाने की जो इमेजिनेशन है उसके अंदर क्या हम देख रहे हैं 3 7 4 8 साथ में आ रहे हैं तो ये 3 4 7 8 साथ में कैसे आएंगे 3 4 ये दोनों हैं आगे के 7 8 ये पीछे वाले दोनों हैं कैसे आ सकते हैं क्या आ गए यही तो हो रहा है अरे समझ गया ये फंडा था इसीलिए इस डायग्राम को ऐसे बनाया मुझे मजा थोड़ी आया था ऐसे बनाने में
पर क्या ऐसे इमेजिन किया? कुल मिला के ये आगे वाले दो को पीछे वाले दो से मिलाना है, मिल गए, ये डायग्राम, इसीलिए 3D है, समझ गए? क्या बिगाड़ा है मैंने तेरा? निकाल के दिखा आंसर, हैं? 7R/2। लोग बोल रहे हैं आर इक्विवेलेंट की वैल्यू है 7R/12। क्या और भी कोई मैच करा रहा है? मैच कराओ। क्या 1-3 कर तो दिया फेस डायगोनल साले, ये क्या सॉल्व कर रखा है वो 3R/4। अरे यार ये आ गया क्या आंसर 7R/12? निकाल लिया सबने, ये सही है, ठीक है, वेरी गुड। तूने निकाला खुद ने, सही बता, निकाल लोगे ना? मैं बता चुका तुम्हें यार, ये क्या है R/2 और R, क्या 2R के साथ में ये क्या है R/2, ये भी R/2, ये भी R/2, क्या सॉल्व कर लोगे अब? अब इसमें मैं क्या बताऊं? चलो अच्छा सुन, इसको याद करने का एक तरीका होता है, देख EFB, E for edge, F for face, B for बॉडी, अरे बोल सही है क्या? EFB, अच्छा R तो सब में आएगा, ये तो पता है अपने को, सब में R आएगा, तो R लिख लो ऐसे और तीनों के नीचे अपॉन लगा लो, कोई दिक्कत तो नहीं? अरे बोलो रे, R तीनों में लिख के और नीचे तीनों में अपॉन लगा लो, और उसके बाद में 1-2-3-4 लिखना है 7 तक, है ना, 1-2-3-4-5-6-7 आंसर। स्टाइल है, अरे ऐसे ही लिखना है यार, अभी 2-3 बार लिख के देख ले, याद हो जाएगा 1-2-3-4-5-6-7 बस। क्या? अरे 8 आता ही नहीं है, ये तो याद करने की शॉर्ट ट्रिक है, इसको रट लें। हाँ बिल्कुल, हमेशा यही है शॉर्ट ट्रिक टू रिमेम्बर, EFB, RRR और उसके बाद में 1-2-3-4-5-6-7, हो गया खत्म, ठीक है यार? देख इससे ज्यादा अच्छे से है ना कोई नहीं समझा सकता, तुम साले ये भी अगर समझ में नहीं पा रहे हो तो आज जाके शक्लें देख लेना सब, और चुल्लू पर पानी देखना, ठीक है? क्या? अबे ऐसा नहीं बोल रहा कि ऐसा कुछ करना, मैं बोल रहा हूँ शक्ल देखना कि कहाँ गलती कर रहे हो। हाँ चुल्लू पर पानी का मतलब डूबने को नहीं होता, वो पीने को भी हो सकता है, पता लगा किसी के पसीने की बूंद है। इधर आ जाओ, ध्यान दो, बैटरी कॉम्बोज पढ़ेंगे हम लोग, किसके कॉम्बोज पढ़ेंगे? बैटरी कॉम्बोज, बैटरी के अलग अलग तरह के कॉम्बिनेशन अपन पढ़ चुके हैं वैसे तो, ये सब बैटरी के कॉम्बोज नहीं पढ़े क्या तुमने? अरे ऐसे नहीं पढ़ा क्या, ये टैणे 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 टैणे, अरे भूल गए क्या? मान ले ये 2 ओम है, हाँ वही तो आएगा, हाँ सीरीज पैरेलल बैटरी आने वाली है, ये मान ले 10 वोल्ट, ये मान ले 20 वोल्ट, ये मान ले 3 ओम, तेरे को कोई बोले इसका इक्विवेलेंट बना, क्या तू एकदम से बना देगा? क्या दोनों सपोर्टिंग है और रेजिस्टर चाहे जहां लगाओ इधर इधर कोई फर्क नहीं पड़ता? क्या दोनों रेजिस्टर सीरीज में? अरे यार ये दोनों सीरीज में, तो क्या 5 ओम और 10 और 20? तो अपने फाइनल आंसर क्या आता था? टेने 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 टेने, बोल क्या आ गया ये 5 ओम 30 वोल्ट। अरे कोई समस्या? आसान सी चीज है कि नहीं? अब इसी के अंदर अपन लोगों से क्या किया गया, कुछ जोरदार जोरदार चीजें करवाई गई, वो क्या थी? अब सुन मेरी बात, इसमें अपने को कुछ बोला गया कि भाई अगर मैं n बैटरीज कनेक्ट कर दूं सीरीज में, कैसे कनेक्ट कर दूं? n बैटरीज का कनेक्शन कर दूं किसमें?
सीरीज में तब क्या होगा, ठीक है? तो बहुत सारी बैटरीज कनेक्टेड दी हैं सर, ये सब जो आपको दिख रहा है दीज आर ऑल इंटरनल रेजिस्टेंसेज ऑफ द बैटरी, है ना, डरे नहीं, ये सब चलता रहा। और कहां तक चला बेटा ये, एन तक, कहां तक चला, एन बैटरीज तक। और ये लगा हुआ था लोड, ये क्या लगा हुआ था बेटा, लोड, ठीक, ध्यान दें इधर सब लोग। ये मान ले इंटरनल रेजिस्टेंस है सबके क्या बराबर, आर, और सबका ईएमएफ भी जो था वो भी क्या था बेटा, सेम, सबका ईएमएफ क्या था, सेम। क्या मुझे क्लियरली दिख रहा है कि सपोर्टिंग बैटरीज हैं, तो नेट ईएमएफ क्या आएगा, क्या एन ई आ जाएगा, और नेट इंटरनल रेजिस्टेंस क्या आएगा, क्या एन आर आ जाएगा, इसमें सोचना है क्या, नेट ईएमएफ कितना, एनी, बोल सही, नेट इंटरनल रेजिस्टेंस एनआर, टोटल रेजिस्टेंस क्या आर प्लस एनआर। तो अगर कोई करंट थ्रू दिस सर्किट पूछेगा तो मैं करंट कैसे लिखूंगा, आई बराबर, बोल, वी बाय आर, वी क्या, ई की वैल्यू क्या है, एनी अपॉन क्या आर प्लस एनआर, समझ ही नहीं आया, अरे पक्का बोल, 100, अरे सब में जोड़ रहा हूं बेटा, ये सीरीज है, अभी क्या बताया, सीरीज है, ये पैरेलल में है, पैरेलल में है ये, इधर देख, आर वन आर टू, आर इक्विवेलेंट क्या होगा, आर वन आर टू अपॉन आर वन प्लस आर टू, या टू आर वन, या मतलब आर वन प्लस आर टू क्या होगा, सीरीज में है, बहुत बढ़िया। हाँ अब बोल, सीरीज में है क्या, ये किस में है, तो पैरेलल में, कल क्या मुर्गा नहीं खाया तूने, हैं? अरे समझ नहीं आया क्या, ये सीरीज में नहीं है क्या, इसका इक्विवेलेंट ऐसा नहीं बनेगा क्या, देख ये देख ये देख, मेरे को लगा तुझे समझ में आ गया, एनी एनआर आर खत्म, ये क्या है इसमें से, करेंट आई, तो आई बराबर वी बाय आर, आर की वैल्यू क्या, आर इक्विवेलेंट, आर इक्विवेलेंट विल बी एनआर प्लस आर, ये वही तो लिखा है, मैं सोच रहा तुझे समझ आ गया, तुमको लोटे पड़े हो साले, अरे आ गया ना, छापो, लिखो सवाल, सीरीज पे सवाल लिखो, इफ एन बैटरीज, इफ एन बैटरीज आर कनेक्टेड इन सीरीज, If n batteries are connected in series and out of them the polarity of and out of them the polarity of m batteries are reversed, m n दे रखी है initial, अब बोला है कि इस एम एन में से एम की पोलैरिटी रिवर्स कर देते हैं, एम, हाँ एम यानी मित्तल, ठीक है, एम की पोलैरिटी रिवर्स कर देते हैं, देन फाइंड द इक्विवेलेंट ईएमएफ, देन फाइंड द इक्विवेलेंट ईएमएफ, ठीक है, और आपको गिवन क्या है लिखना, गिवन ऑल बैटरीज हैव सेम ईएमएफ, गिवन क्या है आपको, दैट ऑल द बैटरीज हैव सेम ईएमएफ, करो, अच्छा बता, इस सवाल में तेरे से नेट रेजिस्टेंस पूछता तो वो तो क्या सीधे एनआर आ जाता, चाहे मैं पोलैरिटी रिवर्स करूं चाहे मैं पोलैरिटी आगे रखूं, क्या वो तो एनआर ही आता, इसीलिए सवाल में आर के बारे में नहीं पूछा, किसके बारे में पूछा, बैटरी के ईएमएफ के बारे में,
एन दे रखी है, उसी एन में से एम पलट दी तो नेट क्या होगा? करो प्लीज, देखें यहां पर आए, कितनी बैटरी दे रखी है? एन, एन में से कितनी पलट रहा हूं? एम। अब देखो हुआ क्या, शानदार सी चीजें हुई, ध्यान से देखना क्या क्या। एन माइनस मतलब एन माइनस टू एम ही बोल रहे हैं। सही है भाई, बहुत बढ़िया, एकदम करेक्ट है, समझ गए होंगे तुम फंडा। हाँ एकदम सही। अरे ऐसे सोच, जैसे मान लो मेरे पास पांच बैटरी है 10 वोल्ट की, बहुत बढ़िया आंसर दिया, वेरी गुड, मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था कि कोई भी दे पाएगा, बहुत अच्छा। देख मान लो मेरे पास 10 वोल्ट की 4 बैटरी है, ये 1, 2, 3 और 4, चल मान ले 5 है, कितनी है बेटा? 5। अब ये जो 5 बैटरी लगी हुई है, इन सबका ईएमएफ क्या दे रखा था अपने को? 10 वोल्ट। क्या दे रखा था बेटा? 10 वोल्ट। बोल ही नहीं रहे, 10 वोल्ट है ना? हाँ यस सर, सुनाई दिया। अच्छा अब इसमें कोई मुझे बोले 2 पलट दी, कितनी पलट दी? 2 पलट दी, तो इन दोनों को पलट दूं? अभी नेट कितना है? क्या 50 आ रहे? अच्छा 2 पलट दी मान ले वाली, बोल 2 पलटी, तो 2 तो इसको खा ही गई ना भाई, ये वाली इसको खा गई, ये वाली इसको खा गई, बोल खाई के नहीं, तो क्या 10 ही बचे? मतलब 1 पलटता हूं तो नुकसान क्या 2 का होता है? नहीं समझा। पलटूंगा 1 तो नुकसान क्या 2 का होगा? नहीं समझ आया। अरे 1 खा गई भाई, 1 पलटी तो 10 और 10 ये 0 बनाया ना इसने, और एक बार ये वाला 10 और 10 0 बनाया, तो अगर 2 पलट दूंगा तो नेट क्या बेटा? 10 ही आएगा। देखा जाए तो 50 में से कितने कम हो गए? 40। कितने कम हो गए? 40। मतलब 50 माइनस क्या हुआ? क्या 2 into n जो बैटरी पलटी वो, बोल सही है क्या? समझ में आ गया, 2 into ne, बता सही है? यही तो हुआ है बेचारे के साथ, डबल हो गई। अरे मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ कि नंबर ऑफ बैटरी पलटी वाली n मान ली यहाँ पे, समझ में आ गया। अब अपने को क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि देयर आर टोटल n, कितनी बैटरीज हैं? n बैटरीज मौजूद हैं। अब n के अंदर क्या कर दिया? m को पलट दिया, तो इस n बैटरीज का ईएमएफ कितना होगा? एनी। अरे बोल रहे ई नेट क्या होगा जब ये सीरीज में लगी थी? तो एनी। इसमें से कितनी पलटी? m पलटी। m पलटी तो 2m का नुकसान, कितने का नुकसान? तो हमारे पास जो अब ई नेट बचेगा वो क्या बचेगा? एनी माइनस 2ME। क्या तेरे को समझ में आया? इस आंसर को क्या कोई ऐसे भी दे सकता था? N माइनस 2M टाइम्स E। तुम्हें डर तो नहीं लगता? आंसर एकदम सही निकाला, गुड। 12 सेल्स ईच हैविंग द सेम ईएमएफ, 12 सेल्स ईच हैविंग द सेम ईएमएफ आर कनेक्टेड इन सीरीज, 12 सेल्स ईच हैविंग द सेम ईएमएफ आर कनेक्टेड इन सीरीज एंड आर कैप्ट इन अ क्लोज लूप, सो एंड आर कैप्ट इन अ क्लोज बॉक्स, एंड आर कैप्ट इन अ क्लोज बॉक्स, कैप्ट कैप्ट रखा जाता है, एंड आर कैप्ट इन अ क्लोज बॉक्स फुल स्टॉप, सम ऑफ द सेल्स आर रॉन्गली कनेक्टेड, सम ऑफ द सेल्स आर रॉन्गली कनेक्टेड फुल स्टॉप। इसमें से कुछ सेल्स को क्या किया गया? गलत कनेक्ट कर दिया गया, अपने वो गिवन है। आगे लिखें, दिस बैटरी इज कनेक्टेड इन सीरीज, दिस बैटरी इज कनेक्टेड इन सीरीज विद अ करंट मेजरिंग डिवाइस, हाँ बिल्कुल अमीटर, दिस बैटरी इज कनेक्टेड इन सीरीज विद अ करंट मेजरिंग डिवाइस
तुम चाहो तो अमीटर भी लिख सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। विद अ करंट मेजरिंग डिवाइस, दिस बैटरी इज कनेक्टेड इन सीरीज विद अ करेक्ट मेजरिंग डिवाइस एंड टू सेल्स विच आर आइडेंटिकल मतलब इसको ऐसे दो सेल से जोड़ा जाता है जो आपस में कैसे हैं, आइडेंटिकल हैं, और साथ में और क्या है, अमीटर, समझ गए, सीरीज में, फुल स्टॉप। द करंट इज थ्री एम्पियर्स when the cells and the battery aid each other, यानी एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। एड का मतलब जानते हो ना, फर्स्ट एड सुना होगा ना, हाँ, तो वही वाला एड है। when the cells and the battery support each other या aid each other and 2 ampere when there is opposition, एक बार 3 ampere जब सपोर्ट में थे एंड 2 ampere when there is opposition, फुल स्टॉप। हाउ मेनी सेल्स आर रॉन्गली कनेक्टेड? सर ये कैसा सवाल है ना, हाउ मेनी सेल्स आर रॉन्गली कनेक्टेड? मैंने कहा था ना आईक्यू बेस्ड सवाल आते हैं, ये आईक्यू है। सर कैसी बातें कर रहे हो, हाँ, हाउ मेनी सेल्स आर रॉन्गली कनेक्टेड? 12 से मिलके, अरे दो अलग हैं, वो 12 की बैटरी अलग है, 12 से मिलके एक बैटरी बनी, उस बैटरी को उन दो से जोड़ा गया, जब बैटरी को दो से जोड़ा और सपोर्ट किया तो 3 ampere करंट मिला, जब बैटरी को उन दो से जोड़ा और अपोज किया तो 2 ampere का करंट मिला। 12 साथ थे, उस 12 में ही कुछ उल्टा पुल्टा हो रहा है। जब 12 के साथ में दो अलग से सेल जोड़े तब अपने को 3 ampere का मिला, जब ये 12 और ये दोनों सपोर्टिंग थे, ठीक है, और जब इन वाले दोनों को पलट दिया तब अपने को 2 ampere का करंट मिला। ये दो अलग है उस 12 के अलावा, वो 12 की बैटरी अलग है, उसी 12 में लोचा हो चुका है, बिल्कुल उसमें पहले ही लोचा है, अब ये नहीं पता कितने का लोचा है, तो वो तुम्हें मानना पड़ेगा कि मान लो n सेल जो है वो गलत लगे हुए हैं। भाई इसकी शुरुआत मैं करवा दी, मैंने आप लोगों से करवा दी है, ऐसा मान के चलो कि n सेल गलत जुड़े हैं और आगे सॉल्व कर लो। ऐसा मान के चलो कि n सेल गलत जुड़े हुए हैं, जल्दी से अच्छा देख इधर सुन, बैल लगने के बाद तो वैसे ही तुम्हारे दिमाग नहीं चलते है ना, हाँ चलो यहां देखो। अच्छा पहले तो ये बता कि जब मैं ई लिखूंगा अपनी इस वाली बैटरी का, जब मैं ई लिखूंगा तो मुझे ये मैं क्या मान के चल रहा हूं, एन आर रॉन्गली कनेक्टेड आउट ऑफ 12, तो नेट जो मिलेगा मुझे 12 - 2n या 12 - n, 12 - 2n टाइम्स ई, बोलो सही है क्या, 100% ये मेरे को नेट मिल रहा है। अब आर कितना है बेटा, 12 आर, अपने को आर इक्वेलेंट क्या मिलेगा, 12 आर मिलेगा, बोल मिलेगा कि नहीं, कोई दिक्कत ही नहीं है। हमने कहा कि भाई 12 - 2n टाइम्स ई अपने क्या हो गया, नुकसान, ठीक है, क्योंकि n जो थे वो उल्टे लगे थे इसलिए ट्वाइस हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं आई। अब बता पहली कंडीशन हमें क्या बोलती है, जब नए वाले दो सेल इसको सपोर्ट करते हैं अपनी इस वाली बैटरी को तो अपने को 3 ampere करंट मिलता है। बेटा करंट क्या होता है, E/R, बोल होता है कि नहीं, ठीक है, E की वैल्यू क्या है, 12 - 2n टाइम्स E। मैं अभी क्या सपोर्ट वाला नेचर मान रहा हूं, कौन सा नेचर मान रहा हूं, सपोर्ट वाला, तो सपोर्ट के अंदर E जुड़ेगा घटेगा,
क्या बेटा प्लस टू ई डिवाइडेड बाय क्या, जल्दी से बोल, 12R प्लस 2R, बोल होगा कि नहीं। अरे इसके भी तो आ रहा है ना, इसके भी इंटरनल रेजिस्टेंस है वो वाले 2R, बोल सही है, यहां तक की कहानी क्लियर। और इसकी वैल्यू कितनी है, 3 एम्पियर। समझ ही नहीं आया भाई, नेट भी क्या आएगा सीरीज में जोड़ा है तो जुड़ जाएगा ना, ये जुड़ गया आपस में, देख कोई समस्या। हाँ अगले में क्या आ जाएगा, जब अपोज किया, ऑपोजिशन में क्या आ जाएगा, ये आ गया अपना 12 माइनस 2 ई, क्या बेटा माइनस 2 ई अपॉन 12 R प्लस R, 2 R। ठीक है यार, ठीक है कर लेना, एक ही बात है यार, छो यहां पे लिख ले, अब मैं इतनी जगह थोड़ी ना बदलूंगा, ये ले अभी खुश है ना। तो हम लोगों ने क्या बोला, बराबर 2 एम्पियर, 12 माइनस 2 ई माइनस 2 ई अपॉन 12 R प्लस R 2 R, पहली इक्वेशन, और ये दूसरी इक्वेशन, क्या दोनों को डिवाइड कर लूं, डिवाइड करके सॉल्व कर लूं, सॉल्व करोगे तो आपकी एन की जो वैल्यू है इट कम्स आउट टू बी 1, सिर्फ एक सेल उल्टा लगा हुआ था, समझ गए, ये इस प्रकार से हो जाता है। खाली एक सेल ऐसा था जो कि उल्टा लगा हुआ था, बाकी सारा जो मामला था वो सीधा सीधा चल रहा था। कुछ आया क्या? हाँ सीरीज में पैरेलल में, हाँ हाँ बल्ब वाले सवाल आएंगे, अभी आएंगे, हाँ हाँ। तो आउटपुट भी तो चाहिए किसी चीज को भाई, किसी चीज की मिनिमम आउटपुट होती है कि जब तक मुझे इतनी पावर नहीं मिलेगी मैं नहीं जलूंगा, लगा दे तो ज्यादा दे देगा तो भी तो दिक्कत है, फट जाएगा है? अरे वो तो कनेक्शन लूज हो गया ना बेटा, सीरीज में लगी होती है ना चीजें, वो जो सीरीज लाइट आती है याद है, सीरीज लाइट वो दिवाली पे जो अपन घर पे लटकाते हैं, एक तो वो चाइना वाली आती है, तो चाइना वाली अच्छी क्यों होती है, क्योंकि उसमें कनेक्शन पैरेलल में होता है, उसमें कनेक्शन किस में होता है, पैरेलल में। वो जो अपनी देसी जो आती है ना मोटी मोटी फूल के शेप में, उसके अंदर कनेक्शन एक ही तार से होता है सीरीज में। ये सब बातें मैं बताऊंगा, अगला टॉपिक अपना वही है पावर और एनर्जी, ठीक है। तो जब अपन एनर्जी और पावर पढ़ेंगे तब इसके बारे में जानेंगे कि किस तरह से अपन लोग हाउस होल्ड वायरिंग करते हैं। अगर हाउस होल्ड वायरिंग के अंदर मैं सीरीज में वायरिंग कर दूं तो एक उड़ा तो सब उड़ा, समझ गए, कुछ और नहीं चला पाऊंगा, इसीलिए सारी वायरिंग पैरेलल में की जाती है। ऐसी वो जो चाइना वाली आती है उसमें बीच की अगर कोई खराब भी हो जाती है ना तो कोई फर्क नहीं पड़ता, सारी जलती रहती, ठीक है ना। ये पार्ट तो अपना स्पेशलिटी होती है यार, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में करते क्या है,